हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम सर्फेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में जो कि कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चंस हैं इसकी पार्ट टू के क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले मैंने इससे कॉन्सेप्ट जो भी थे, तीन कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्यूशन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्यूशन और कोई अनदर लाइन, अगर एनी लाइन हो उसके अलॉन्ग रिवॉल्यूशन होता है उसके लिए फॉर्मूले क्या होते हैं, ये इसके पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आपके लिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विदाउट फॉर्मूले आप कर नहीं सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस कराए थे उसका मैंने एक ही क्वेश्चन का डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज का मैंने जो क्वेश्चन लिया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करने में हेल्प होगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्यूशन ऑफ आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स बाउंडेड बाई इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। इस क्वेश्चन में तो क्या क्या गिवन है, क्या अगर इसको हम ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करें वाई स्क्वायर इक्व टू फोर ए एक्स, ये तो राइट हैंडेड जो पैराबोला होता वो है, वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स राइट हैंडेड पैराबोला होता है। और मैंने जब ट्रेसिंग वाला जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रेसिंग में भी बताया था जो वाई स्क्वायर के जो पावर्स होते हैं, मतलब ये एक्स के ही एक्सिस पे बनेंगे हमेशा, ऑलवेज, है ना। अगर वाई स्क्वायर के फॉर्म में अगर गिवन है स्क्वायर, ये मतलब ये पावर जो अगर वाई स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है तो जो इसका कर्व ट्रेस होगा एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक। तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा और एक ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स, वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स। और लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करोगे तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा ये होता है। ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो हमारा जो ये लेटेस्ट रेक्टम होगा ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ये कुछ बीच से कटता, मैंने ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, बट ये है कि आप इसको बीच से ही मानो, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट गया है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। और कर्व ट्रेसिंग के जब मैं टॉपिक करा रहा था तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि अगर वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स वाई का ही अगर पूरा एक्चुअल में पावर हो तो ये ऑलवेज एक्स एक्सिस पे ही ट्रेस होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ से पकड़ो यहाँ तक पहुँच जाओ। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इस चीज को अगर एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करा दूं तो आपको यही फिगर बनेगा, या फिर आप ये करो। अब देखो एक चीज में आप क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर इसमें आप ऐसे भी रोटेशन हो सकता है, अगर इस वाले पूरे कर्व को अगर चारों तरफ घुमाओगे तब भी वही चीज आएगा। अगर इसको चारों तरफ जो घुमाओगे, अगर एक बार यहाँ पे आएगा ऐसे जब चारों तरफ घुमाओगे तो आपको फाइनली यही वाला कर्व मिलेगा। अब बात ये पड़ती है कि सर किसको पकड़ा जाए, तो इवन याद रखिएगा जिस मिनिमम कर्व को पकड़ने पर हमारा जो ओरिजिनल सॉलिड का जो जनरेशन होता है, जो सरफेस का जनरेशन होता है, वही वाला हम कर्व पकड़ेंगे। अगर आप चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ोगे ये वाले पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट ले लो, इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो और मैंने बी ले लिया, ठीक है, ओ ए को अगर घुमाओगे तो पूरा जो एक्चुअल में जो इसका सरफेस बनना चाहिए, ये पूरा जो इसका एक्चुअल में फिगर बन रहा है, सेप बन रहा है, वो इस वाले से बन जाएगा इस मिनिमम में। अगर आप चाहो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ बी ओ ए बी भी पकड़ोगे, अगर चारों तो रोटेशन कराओगे तो एग्जैक्टली ही फिगर मिलने वाला है। तो हम पूरा पूरे पार्ट को ना पकड़ के सिर्फ हम ये वाला आर्क पकड़ेंगे, ये वाला। ये बात सुनिए, आप कैसे करते हैं देखिए, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देख लेते हैं इसमें जो गिवन क्या है। हमको गिवन है वाई स्क्वायर इक्व टू फोर ए एक्स। अगर इसको डिफरेंट जो क्वेश्चन में जो हमें फार्मूला बताया है डिफ्रेंशिएट करके करना पड़ता है, कुछ जो फार्मूला होता है एक्चुअल में ये होता है, अगर फार्मूला अगर लिखा जाए ये होता है टू पाई वाई कुछ ऐसा, ये लिमिट ए टू बी था, ये आपको सरफेस एरिया निकालने का ये आइडिया है, ये अंडर रूट वन प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये डी एक्स है, ठीक। ये एक्चुअल में सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसका मतलब हमें ये वाला जो वाई स्क्वायर इक्व टू फोर ए एक्स जो कर्व का इक्वेशन गिवन है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या हो जाएगा,
ये 2y dy/dx इक्वस टू, अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। अगर dy/dx निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a/2y, या फिर इसको कैंसिल किया जाए तो क्या हो जाएगा 2a/y। ठीक है, अगर y की वैल्यू का रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2a/√4ax। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2a/√ax इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर a/√a किया जाए, अगर a/√a(√x) किया जाए, सॉल्व करोगे तो ये √a/x आ जाएगा परमेकर के थ्रू। तो ये dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a/x। अगर √a/x आ गया तो हमारा एक्चुअल में जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बनता है, जनरेटेड बाय जो आर्क में लिया है, जनरेटेड बाय आर्क, अगर ये लिखा जाए तो क्या हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए, हमें तो फार्मूला पता है। देखो तो ये हमने यहाँ से आने पकड़ा है, ये चीज़ हमने यहाँ जीरो से पकड़ी है, या अगर एक्स एक्सिस पे अगर बात करोगे, ये वाले एक्सिस पे अगर बात करोगे, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to a है। यहाँ 0 0 था, 0 to a हमारा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में जो लिमिट हो जाएगा, फ्रॉम 0 to a√1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। अब देखो dy/dx की वैल्यू आई है √a/x, अगर √a/x का स्क्वायर करो तो a/x हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, 0 to a, अगर यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा, √2 √ax। ठीक है, अगर इसको अब रखिए, a+√a/x का होल स्क्वायर किया जाए, कर ही देते हैं, √a/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, 0 to a, 2 to the 4 π √a √x। अब इसको जब लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a+, यहाँ पे 1 है बॉस, 1 a+x/√a, तो √x हो जाएगा नीचे, √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, ध्यान से इसको देखते जाइए, और इसको अगर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये हो जाएगा 2 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 π √a। जो ये बचा हुआ है √a, जो बचा है ये पूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो बाहर ले लोगे, इसको जो बाहर लिया जाएगा क्या हो जाएगा, 0 to a √a+x dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, तो 4 π √a, और जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, a+x/√1/2 √0 to a dx 4 π √a, और अगर इसको किया a+x/√3/2 क्या हो जाएगा, 3/2, और ये लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 0 to a। इसको सॉल्व किया जाए क्या हो जाएगा, 4 π √a, ये हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 3/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a+x, अगर इसकी लिमिट जब सॉल्व की जाएगी x के साथ, एक बार a रखोगे तो क्या हो जाएगा, a+a√3/2, और दोबारा जब ए की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -a√3/2। लिमिट रखने के बाद चीज़ें इतनी आएंगी। अगर इसको और सिंपलीफाइड किया जाए, क्या हो जाएगा, 4 to the 8, 4 to the 8 π√a/3, और ये हमारा क्वेश्चन क्या आया था, 2a√3/2 -a√3/2। इसको सॉल्व करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 8π√a/√3, 8√3/2, दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, 2√3/2 -1 यहाँ अंदर बचेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, 8π√3, a√1/2 × √a, a√3/2, √2√3/2 -1, इसको जब सॉल्व किया जाएगा 8π/3, इसको दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो a² हो जाएगा,
-2^3/2 -1। हाँ तो ये एक्चुअल में अभी से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा 8π/3a²(2^3/2 -1)। ये क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया है, ये सरफेस अगर एरिया की बात हो रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, यही इससे एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटली क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक चीज़ याद रखना, अगर आप ये चीज़ अगर ड्रॉ कर पाओगे तो आप लिमिट डिसाइड कर पाओगे। तो थोड़ी मोड़ी बेसिक बातें आपको पता रहनी चाहिए, जैसे क्या होता है ये पैराबोला क्या होता है, किस तरीके से बनता है, सारी चीज़ों को पता रहनी चाहिए। तो आई थिंक आपसे इस क्वेश्चन ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।